दोस्तों, आज की दौर में जिस जिले को आप नंदुरबार जिला से जानते हो, यानी MS-39, दरअसल इस जिले को प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे सतपुड़ा प्रदेश से सेवन देश, और कभी रामायण काल में कृषिक प्रदेश, तो कभी ऋषिका प्रदेश, तो कभी नंद राजा के नाम से नंद नगरी कहा जाता था। आज हम बात करने वाले हैं नंदुरबार जिले के बारे में। क्या आप नंदुरबार जिले के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। और हाँ गाइज, अपने रिलेटिव या दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। नंदुरबार के उत्तर पूर्व से पूर्व तक मध्य प्रदेश राज्य है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर में गुजरात के जिले हैं। नंदुरबार महाराष्ट्र की राजधानी बंबई से 360 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 160 पर है, और भारत की राजधानी दिल्ली से 1130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर है। नंदुरबार जिले के पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर पूर्व में अलीराजपुर जिला और बड़वानी जिला है, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। और पूर्व से दक्षिण तक धुले जिला है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। दक्षिण पश्चिम से पश्चिम तक गुजरात का तापी जिला है, और उत्तर पश्चिम में नर्मदा जिला है। दोस्तों, जिले का मुख्यालय नंदुरबार में ही है, और ये जिला नासिक डिवीजन में आता है। दोस्तों, नंदुरबार जिला आदिवासी जिला है, यहाँ 70% से ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। इस जिले को 1 जुलाई 1998 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर गजानन जोशी, इनके कार्यकाल में धुले जिले को विभाजन करके एक अलग जिला बना दिया गया, यानी नंदुरबार जिला। देखो दोस्तों, इस जिले की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2011 के अनुसार 17 लाख के आसपास है। इनमें 9 लाख के आसपास मेल है और 8 लाख के आसपास फीमेल है। नंदुरबार जिले में 6 तालुका है, नवापुर, नंदुरबार, अक्कलकुवा, धड़गांव, तोलोदे और शहादा। दोस्तों, धड़गांव तालुके को अकरानी तालुका भी कहा जाता है। नंदुरबार जिले में 950 से ज़्यादा गांव हैं, और नंदुरबार जिले का क्षेत्रफल 5955 स्क्वायर किलोमीटर में है। दोस्तों, एरिया वाइज देखा जाए तो धड़गांव तालुका सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा तालुका तोलोदा आता है। दोस्तों, वैसे ही पॉपुलेशन में सबसे बड़ा तालुका शहादा है, सबसे ज़्यादा लोग शहादा तालुके में रहते हैं, और सबसे कम लोग तोलोदा में रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अक्कलकुवा तालुके में सबसे ज़्यादा गांव हैं, करीब 190 के आसपास हैं। नंदुरबार जिला एक आदिवासी जिला होने के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यहाँ भील, पौरा, गावित, धानका, कोकनी, नाइक जैसी आदिवासी जनजाति रहती है। वहीं यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो मराठी है, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर हिंदी, गुजराती, कोकनी, मराठी, मावची, पावरी, ऐसे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, देश का पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को यहाँ के तेंबली गांव की रंजना सोनव ने इनको दिया गया था। और तो और, यहाँ का तोरणमाल हिल स्टेशन महाराष्ट्र का महाबलेश्वर के बाद दूसरा ठंडा स्थान आता है, और यहाँ का नवापुर रेलवे स्टेशन भारत का अनोखा रेलवे स्टेशन है, आधा गुजरात और आधा महाराष्ट्र में है। दोस्तों, यहाँ का अमेजिंग फैक्ट तो यह है कि यहाँ एक बेंच भी रखी हुई है, जो आधी महाराष्ट्र में है और आधी गुजरात में है। इसी के साथ यहाँ की तापी नदी नंदुरबार जिले की प्रमुख नदी है। दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत के नज़दीकी बसा शहर यानी नंदुरबार जिला
दोस्तों, इस जिले की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।